हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं एक और साउथ इंडियन ट्रेडिशनल फूड जिसे दद्दोजनम या कर्ड राइस कहते हैं। ये स्पेशली समर में खाया जाता है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने दही लिया है, 1/2 kg मिल्क का है और 1 कप मिल्क है। तेल तलने के लिए 2 कप पका हुआ राइस है, 1 स्पून चना दाल है, 1 स्पून उड़द दाल है, जीरा और सरसों है। तड़के के लिए ये कूटी हुई काली मिर्च है, ये काजू गार्निशिंग के लिए है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा खिसा हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 सूखी लाल मिर्च है, करिया पत्ती है, धनिया पत्ती है। तो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 गिलास चावल लिया है, इसको मैं पहले अच्छे से वॉश कर रही हूँ। वॉश करके मैं ये प्रोसीजर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसके लिए हमें चावल अच्छे से पके हुए चाहिए। आप पके पकाए चावल भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 गिलास वाटर ऐड किया है ताकि मेरा चावल गीला गीला पके। अब मैंने एक कुकर का प्रेशर ढक्कन रख दिया है। ढक्कन रखने से पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1 स्पून नमक और मैं इसे पका ले रही हूँ। अब हमारा चावल पक के रेडी है। अब मैं इसको निकालूंगी एक बाउल में। बाउल में निकाल के मैं इसको अच्छे से मैश करूंगी एकदम प्रॉपरली। हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि चावल को हमको ठंडा करके ही मैश करना है और जब चावल ठंडा होगा तभी इसमें हम लोग दूध और दही ऐड करेंगे। हमें गरम गरम में नहीं ऐड करना चाहिए। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप मिल्क। मिल्क ऐड करके मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ और मैश करके उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक डालते समय हमें ध्यान रखना है, हमने चावल पकाते समय भी इसमें नमक ऐड किया, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स करना। अब अच्छे से हम लोग इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें गर्म चावल में दही नहीं मिलाना, चाहे इस रेसिपी में हो या किसी और रेसिपी में। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम लोग गर्म चावल में दही मिलाते हैं तो ये हमारे लिए वात का प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमारे बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया था, अब मैंने दोबारा और थोड़ा सा दही ऐड किया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप पूरा दही डालना, अदरवाइज़ आप उसे बचा के रख सकते हो। अब मैंने इसमें ऐड किया खिसा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। एक बार मैं इसको और अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके अब मैं इसे रख दूँगी साइड में। अब मैं तैयार करूँगी इसका तड़का। उसके लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है तिल्ली का तेल। मैंने यहाँ तिल्ली तेल यूज़ किया, आप जो चाहे वो ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैंने 1 स्पून तेल ऐड किया, इसमें हमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब जैसे मेरा तेल गर्म हो जाता है उसमें मैंने पहले सरसों, चना दाल, उड़द दाल, जीरा ये सब मैंने बारी बारी से डाल दिया है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने उसमें डाल दिया है सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च करके यहाँ पे हमको हमारा फ्लेम नॉर्मली रखना है, मेरा अच्छे से मिक्स करना है। जैसे वो मिक्स हो जाएगा फिर मैंने उसमें ऐड किया है करी पत्ती। करी पत्ती डाल के एक बार मैंने और अच्छे से मिक्स किया। अब मैंने उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन किया है। हमें इस तड़के को गरम गरम नहीं डालना है, पहले इसको थोड़ा ठंडा करना है। उसके बाद सिर्फ ये जो तड़के का है वही हम डालेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे। ऑयल को साइड करके सिर्फ ये चना दाल और इसका जो तड़का है वो हम इसमें मिक्स करेंगे। डाल के हम लोग ऊपर नीचे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है थोड़ा सा ये गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च। काली मिर्च डाल के मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करूँगी। अब ये मेरा बनके रेडी है। यहाँ पे मैं काजू को फ्राई कर रही हूँ, जो तड़का लगाते समय मेरा तेल बचा था उसी में। इसको मैं फ्राई करके इसके साथ अपनी कर्ड राइस को अच्छे से गार्निश करूँगी। मेरा कर्ड राइस बनके रेडी है। आप इसको बना के ट्राई कीजिए, देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।